स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि इफ ई एम जे कैपिटल जी डिनोट एनर्जी मास एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ई जे स्क्वायर अपॉन एम फाइव जी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जैसे ई का मतलब एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन इसका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। जे मतलब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम होता है एम इंटू वी इंटू आर। एम का मतलब के जी, वी का मतलब वेलोसिटी और आर का मतलब डिस्टेंस। तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हुआ और इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, ये आ गया जे का डायमेंशन। उसके बाद एम मतलब मास है तो उसका डायमेंशन कैपिटल एम होगा। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू। ये आपका इससे आता है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर है ग्रेविटेशनल लॉ जो है उससे। तो यहाँ से अगर जी चाहते हैं तो एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू कर सकते हैं। एफ का मतलब है फोर्स, तो फोर्स क्या होता है उसका यूनिट होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर होगा। एम वन एम टू का मतलब मास है तो के जी स्क्वायर हो जाएगा। एक के जी कट जाएगा है ना, ये बचेगा के जी माइनस वन मीटर क्यूब एस माइनस टू, मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो सबका डायमेंशन हमें पता चल गया, अब यहाँ डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपका ई जे टू दी पावर फाइव स्क्वायर अपॉन एम टू दी पावर फाइव इंटू जी स्क्वायर करना है। तो ई का डायमेंशन कितना, एम एल टू टी माइनस टू, और जे का डायमेंशन कितना है, एम एल टू टी माइनस वन और पावर में स्क्वायर करना है। एम मतलब कैपिटल एम, पावर में फाइव करना है और कैपिटल जी का है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इसका स्क्वायर करना है। ये सारा करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो एम एम यहाँ पे टू है और यहाँ वन है तो थ्री हो जाएगा। एल यहाँ टू है, एल यहाँ पे टू का पावर टू मतलब फोर, फोर और टू सिक्स हो जाएगा। टी का पावर टू माइनस टू और यहाँ पे माइनस टू तो टी का पावर माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नीचे देखो यहाँ एम का पावर फाइव है, यहाँ एम का पावर माइनस टू है क्योंकि यहाँ माइनस वन है और इसका पावर टू है तो माइनस टू होगा। तो फाइव और माइनस टू कितना होगा, थ्री होगा। एल का पावर थ्री है और उसका स्क्वायर है तो सिक्स हो जाएगा। टी का पावर माइनस टू है और उसका स्क्वायर तो माइनस फोर हो जाएगा। तो देखो ऊपर नीचे सेम आ गया, तो ये तो एम जीरो हो गया, एल जीरो हो गया, टी जीरो हो गया, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। तो देखो लेंथ का डायमेंशन तो एल होता है, मास का डायमेंशन एम होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, बट एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का डायमेंशन एम जीरो होता है, एल जीरो होता है, टी जीरो होता है। कोई भी डायमेंशन हमें एंगल में देखने को नहीं मिलता, बस उसका यूनिट हम लोग रेडियन यूज करते हैं। तो इस हिसाब से पूरा सॉल्व करके मैंने दिखाया, इसका आंसर वन एंगल हो जाएगा। सो आई होप दैट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।